मसरत आलम अलगाववादी नेता कश्मीर के जुड़ी हुई है और इसने एक बार फिर से जहर उगला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आइए देखिए तस्वीरें किस तरह पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की है मसरत आलम ने, अलगाववादी नेता। हाल ही में रिहाई हुई थी गिलानी साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तेरा मेरा क्या अरमान, पाकिस्तान पाकिस्तान, ये शब्द है मसरत आलम के। हाल ही में रिहाई हुई थी अलगाववादी नेता मसरत आलम की। दरअसल हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी वापस लौटे श्रीनगर दिल्ली से और उनके स्वागत के लिए इस तरह नारेबाजी की गई। श्रीनगर में आज जो रैली आयोजित किया गया जिसमें पाकिस्तानी फ्लैग्स और प्रो पाकिस्तानी स्लोगन्स रेज किए गए, ये बिल्कुल इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये इसको इसकी पूरी निंदा करते हैं। और इस प्रकार की रैली की जानकारी क्या सरकार को थी? यदि थी तो सरकार ने इसको इस प्रकार की रैली को क्यों नहीं रोका? यदि इस प्रकार की जानकारी पहले नहीं थी कि ऐसे स्लोगन्स रेज किए जाएंगे, तो हम कम से कम आप डिमांड करते हैं कि राज्य सरकार तुरंत इसको संज्ञान में ले और बहुत जल्द इसका कार्रवाई करें, और जो भी इस प्रकार की जो भी इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लें, ताकि इस प्रकार की एंटी इंडिया स्लोगन्स और प्रो पाकिस्तान स्लोगन्स भारत की सॉइल पे कोई रेज करने की हिम्मत न करे। बहुत ही दुखद घटना आज श्रीनगर में देखने को मिली है। बीजेपी और पीडीपी ने वादा किया था इलेक्शन के दरमियान कि शांति वापस जम्मू कश्मीर में आएगी, पर 6 साल जो हुकूमत एनसी और कांग्रेस पार्टी ने चलाई, नॉर्मलसी जम्मू और कश्मीर में आई थी। पहला कदम बीजेपी और पीडीपी सरकार ने क्या किया, जिसने इस सब चीजों का जो खुराफाती था मसरत आलम को छोड़ने का काम किया, छोड़ते हुए आप देखते हैं कि आज फिर से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी और एनसी इसीलिए, भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी इसीलिए सत्ता में आई थी कि हिंदुस्तान को गाली देने के लिए, हिंदुस्तान को जम्मू और कश्मीर के सड़कों पर हिंदुस्तान को गाली देने के लिए? इसका जवाब सीधा बीजेपी और पीडीपी को देना हो। आखिर मसरत आलम का मुंह कौन बंद करेगा? पाकिस्तान के पक्ष में इस तरह नारेबाजी की है, लगातार आप देख रहे हैं तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ तो पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, दूसरी तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी जान पाकिस्तान, इस तरह नारेबाजी की गई। बीजेपी विरोध कर रही है, बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मसले पर ये जो भारत विरोधी नारे हैं ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस अलग हमला कर रही है, विपक्षी पार्टियां अलग हमला कर रही हैं, लेकिन बीजेपी पीडीपी की सरकार है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में इस तरह के नारेबाजी लगातार सवाल उठाती है कि आखिर ये किस तरह से मसरत आलम के हौसले बुलंद है कि सार्वजनिक स्तर पर सैयद अली शाह गिलानी के स्वागत में इस तरह पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की गई, पाकिस्तान के झंडे लहराए गए।